फरमाते हैं सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे औलाओ आला हमारा नबी। देखो मालूम होता है भी रोटियां ज्यादा खाओ, क्योंकि बंदा बहुत रजे आवे तो आवाज घट निकलती है, पेट भरा हुआ हो ना तो आवाज कम निकलती है, भूखे आदमी की आवाज बड़ी तेज होती है। तो आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही कि रोटियां बहुत या तो नहीं खा लिया मियां, जरा आवाज निकाल लो, जूम जूम के पढ़ो, पता चले हुजूर के आशिक हुजूर के मुहिब बैठे हो, ये हुजूर की सनाखानी है, कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो इबादत है, ये रूहानी गिजा है। सबसे औला सबसे औलाओ आला हमारा, सबसे बालाओ बाला हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बालाओ बाला हमारा, सबसे औलाओ आला हमारा। फरमाते हैं अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा, सबसे औलाओ आला हमारा, सबसे बालाओ बाला हमारा, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, आम खल्क से औलिया अफसल और औलिया से रसूल अफसल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा, और रसूलों से आला हमारा, सबसे औलाओ आला हमारा, और मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, दो जहानों में नबी ताज वाले, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा, कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा, सबसे औलाओ आला हमारा, और करनो बदली रसूलों की होती रही, एक नबी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जब दूसरा नबी आता था लोग उसका कलमा पढ़ने लग जाते, जब तीसरा आता उसका कलमा पढ़ने लग जाते, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम आ गए तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो यूं हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हुजूर का कलमा क़यामत तक रहेगा, करनो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा, पर न बदले न बदला हमारा, सबसे औलाओ आला हमारा, और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर
किले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा, पर ना डूबे ना डूबा हमारा, सबसे औला आला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा। और शेर सुनिए, जिसको साया है अरशे खुदा पर जलूस, जिसको साया है अरशे खुदा पर जलूस, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी, है वो सुल्ताने वाला हमारा, सबसे औला आला हमारा। और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, दर्जे और मर्तबे के लिहाज से हुजूर सारी मखलूक से ऊंचे। और अल्लाह ताला ने जाहिरी तौर पर भी इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हुजूर मेराज की रात अर्श के ऊपर पहुंचे। उस वक्त सातों जमीनें नीचे थी, सातों जमीनों में रहने वाली मखलूक नीचे, सातों आसमान नीचे, सातों आसमानों में रहने वाली नूरी मखलूक नीचे, बैतुल्ला नीचे, बैतुल मुकद्दस नीचे, फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, जन्नतुल फिरदौस नीचे, 70,000 पर्दे नीचे, यहां तक के खुदा का अर्श नीचे था और मुस्तफा के कदम ऊंचे थे। अल्लाह ने दिखा दिया कि मेरे हबीब, मैंने अपनी कुल कायनात को तेरे कदमों के नीचे कर दिया है और तेरे कदमों को सारी मखलूकात के सर का ताज बना दिया है। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा, है उस ऊंचे से सबसे औला आला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा। और फरमाते हैं, जिसकी दो बूंद है कौसर ओ सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर ओ सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा, सबसे औला आला हमारा। और शेर सुनो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, मियां दावे तो लोग करते हम देंगे मगर देने के लिए मुंह चाहिए, कौन देता है? जेड़े लोगों को मंगते उन्हें की देना है, सोचो। और जेड़े आपे मंगते नहीं उन्होंने की देना है? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा, सबसे औला हमारा। और गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है, गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा, सबसे औला आला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा। तो मुसलमानों